जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है, चल रहा था गोपी भाव सहचरी भाव, किंतु बीच में प्रसंग लेना पड़ा। क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों को भी छोड़ गए थे रास में, और यहां तक कि श्री जी को भी छोड़ गए थे। यद्यपि उसका लक्ष्य था कि गोपियां श्री जी को जाने, उनकी महिमा को, किंतु गोपियों को तो स्पष्ट छोड़ गए भगवान। तासाम तत्सौभगमदम वीक्षमानम च केशवः, प्रश्माय प्रसादाय तंतरिवांतर धीयत। 29वें अध्याय में सैतालीसवां 48वां श्लोक है। कि भगवान ने उनका सौभाग्य मत देख करके और मान देख करके यानी यहां मान का मतलब है प्रेम का गर्भ, आत्मानं मेनिने स्त्रीणां मानिम नियोभ्यधिकं भूई। 47वां श्लोक। अपने को सभी स्त्रियों से अधिक माननी उन्होंने समझा, तो ये अपने को श्रेष्ठ प्रेमी और भक्त समझना भी अनुचित है। इसका प्रशम होना जरूरी है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। कि
क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली है। शिक्षा अधिकतर सांप्रदायिक लोगों की मिलती है, जो उसमें राग होता है, पक्षपात होता है। कल एक पुस्तक इन्होंने दिखाया, वृंदावन से नहीं निकली है, और बहुत उसके दाम हैं। हमने तो पहली बार देखा, उसको देखते ही हमने कहा इसको लौटा दो। ये पुस्तक हमारे काम के नहीं है। क्योंकि हमको हमारे बाबा ने बताया था, वृंदावन में तुम निवास करना चाहते हो, सांप्रदायिक संकीर्णताओं से बच के रहना, ये वृंदावन में बहुत है। और यहां तक कि सर्वत्र है, धर्माचार्यों में तो कूट कूट करके भरी हुई है संकीर्णताएं। हमने पुस्तक को देखते ही मान कहा इसको लौटा दो, ये कोई फ्री दे तो भी मत लो, क्योंकि जिसके अंदर विष भरा हुआ है वो जहर मुफ्त के भी मिले तो मत खाओ। खाओगे तो मरोगे। तो इसलिए बहुत ऊंची सहचरी भाव, गोपी भाव, इनकी चर्चा से अच्छा है ये जो भाव महाराष्ट्र तक बाधा देते हैं, उनका ज्ञान हो जाए हमको। भक्ति के मूलभूत भाव हैं वही तृणा तपि सुनीचे न, इसके बंद करो उसको। दैन्य नहीं है तो वो सहचरी भाव, गोपी भाव भी बाधक है। और उसका एक प्रमाण है श्रीमद् भागवत। एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः, दस 29-47 भगवान उनके हाथ के खिलौना बन गए और इसलिए उनको मान पैदा हुआ। वही अंतर्धान हो गए, गायब हो गए। मूलभूत भावों को हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा किसी ने पद गान किया समझने लग गया और रस का ज्ञाता बन गया,
इसी तरह से हम देखते हैं कितने लोग यहाँ आए, थोड़े से दिन साधन किया, सदाचार संयम रहे, अपने को विरक्त पवित्रतम मानने लग गए और शास्त्र का उल्लंघन किया, तो एक दिन वो विनष्ट अवश्य होता है। किसी भी प्रकार का अहम है, हम भक्त हैं, हम रसिक हैं, हमारे में ये गुण है, वो सब विनाश है। वो समझ नहीं रहा है, तब समझेगा जब गिर जाएगा। इसलिए इन सिद्धांतों का ये प्रकरण हमने उठाया क्योंकि हम लोग अभी इतने बड़े नहीं बने हैं, एवं भगवत कृष्णान लब्धमाना महात्मनः, कि भगवान ने हमारा मान किया करके खिलौना बन गए। खिलौना बन गए भगवान, बाहुर प्रसार परिरंभ कराल कूर नीवी स्थला लभन नर्मनवा नखाग्र पातई क्षेल्यावलोक हस्तैर ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। खिलौना बन गए, जैसा चाहती है वैसा कर रहे हैं। तब उनको मान हो गया, आत्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योभ्यधिकं भुवि। सोचने लग गई कि लक्ष्मी आदि को भी ये सौभाग्य नहीं मिला, न किसी देवी महाशक्ति को मिला, तो स्वाभाविक था अपने को श्रेष्ठ समझना। बस यही जहां आई बात और जड़ कट गई, उसी समय श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। तत्रैव उसी समय एव लगा दिया, इसलिए फिर से हम लौट पड़े। और वो छोड़ दिया चर्चा, फिर अनेक उदाहरण लिए हमने, रामावतार के उदाहरण भी लिए, हनुमान आदि को भगवान ने एक क्षण में शक्तिहीन कर दिया। जो हनुमान जी कहते थे, कहो तो लंकापुरी पलट दऊं, सीता जी से कहा था, कहो तो अभी मसल दूं यही रावण को, उन्हीं को इतना कमजोर बना दिया कि एक सींक से हनुमान जी को गिरा दिया उन्होंने, भरत जी ने। और
फिर भी उनका अहम नहीं गया। तो उन्होंने, भरत जी ने कहा कि हमारी बाण पर बैठ जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। फिर भी उनको, उनका अहम सामने आ गया। मोरे भार चलई की भी बाना, ये भरत का बाण क्या रहा, मेरा बोझ सहलेगा? पहाड़ इतना बड़ा लेके मैं चल रहा हूं, पहाड़ से ज्यादा हूं। उपजा कपि मन अभिमाना। फिर उसके बाद में भगवान की कृपा से उनका मैं छूटा। बोले नहीं, ये तो वास्तव में हम कुछ नहीं हैं, हैं? साठ फिर उन्होंने सोचा, राम प्रभाव विचार बहुरी, जो कुछ प्रभाव है भगवान का है। बंदी चरण कह कपि कर जोरी, भरत जी के चरणों की वंदना किया। क्योंकि भरत जी ही के प्रति उनका अभाव पैदा हुआ था। कल यही हम दोपहर को पढ़ा रहे थे इन लोगों को, बच्चियों को, कि देखो भगवान ने तीन प्रतिज्ञाएं तोड़ दिया। दुर्वासा शरण में गए भगवान ने, वैकुंठ में गए, और ये सब समझना चाहिए। देना भागवत, भक्ति के मूलभूत भावों को समझो, और ऐसा समझो कि जीवन में कभी भी गलती न हो। बिना अहम के कुछ नहीं होता है। हमारे बाबा कहते थे, लाला ब्रज में सिद्ध नहीं बनना, दो दिन चार दिन भजन करने के बाद फिर मनुष्य सिद्ध बन जाता है, यानी अहम आ जाता है किसी न किसी रूप में। फिर ये ब्रज में चोर डाकू ये सब कौन है, ठाकुर है। ठाकुर इसके अहम को दूर करता है। ये उन्होंने तब कहा था जब यहां रहते थे, यहां डाकू गड्ढा था, माल बंटवारा होता था, और हमारे सामने बंदूकें कई बार आईं। तब उन्होंने कहा था, तुम अगर अहम नहीं करोगे तो तुम्हें कोई संसार की बाधा नहीं सताएगी, और अहम जरा भी आएगा तो रोग शोक ताप ये सब बाधा देते हैं।
प्यारी जू के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विदु जुदाई, ताप शाप रोग शोक दारुण दुख हारी। ताप मानसिक ताप, शाप बड़े बड़े ऋषियों का शाप, रोग शोक बीमारियां, ये किसी प्रकार की चीज बाधा आती है तो तभी आती है जब जीव में अहम होता है। अगर इसको नहीं करोगे तो डाकू गड्ढा है चाहे कुछ भी है, तुमको कोई बाधा नहीं सताएगी। और इसीलिए जब यात्रा शुरू भई उन्हीं को उपदेश था कि इसमें हमारा नाम नहीं देना, नहीं यात्रा में जो महंत होता है उसका नाम होता है, केवल राधा रानी का नाम रखो, उनके नाम रखने से आज तक कोई बाधा नहीं आई। करोड़ों का खर्च है, मांगना नहीं पड़ा किसी से, चल रहा है। जब तक अहम नहीं रहेगा ही चलेंगे। जिस दिन जरा भी अहम आ जाएगा ये सब नष्ट हो जाएगा। चाहे हनुमान जैसे हम हैं, एक सीख हमको गिरा देगी। कल हम यही बता रहे थे दोपहर को पढ़ाते समय कि भगवान ने दुर्वासा को शरण में जाने पर भी रक्षा नहीं किया। चक्र जला रहा है, और उन्होंने उनके सामने चक्र जला रहा है। नौ पांच एक एवं भगवता दिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः, चक्र जला रहा है। कब तक जलाएगा? जब तक अम्बरीश की शरणम नहीं जाएंगे। अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो अग्रहीत। इन्हें भगवान ने शरणागत की रक्षा नहीं किया। भगवान भक्तवत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, ये नियम तोड़ दिया। ब्राह्मण देव हैं, ये नियम तोड़ दिया। ब्राह्मणों को इष्ट मानते हैं। भगवान आरती हरण कर कष्ट हरण करने वाले हैं, ये नियम तोड़ दिया। सब तोड़ दिया। क्यों? यह महिमा जान ही दुर्वासा, लोको वेद विदित इतिहासा। इसी को रामायण में गोसाई जी ने लिखा है, जे अपराध भक्त कर रही, राम रोष पावक तेज रही। भगवान की क्रोधाग्नि तुमको जला देगी, भगवान खुश क्या होगा? तुम भले माला फेरते रहो या सेवा करते रहो, पूजा करते रहो,
उससे कुछ नहीं होगा। छोटे से छोटे भक्त से डरो उसके अपराध से। और भक्तापराधी को दूर कर दो उसी समय। काटी तास जीभ जो बसाई, शरण मूंदी न तो चली पराई। हमसे कल कहा माधवीशरण जी ने आकर के कि बड़ा कलह है नीचे। हमने कहा उसी समय निकाल दो, भक्तापराधी को नहीं रखना चाहिए, चाहे दुर्वासा हो तो भी निकाल दो। क्योंकि भगवान ने भी उसको शरण नहीं दिया। तब भगवान बोले उपाय बता सकते हैं हम तो को। दो बटा 69, चार नौ चार 69, हम तुम्हारी रक्षा का उपाय बता सकते हैं। हे ब्राह्मण सुनो, ब्रह्मण देव का नियम छोड़ दिया। अयम आत्माभिचारस्ते यतस्तम यातु वै भवान। जहां तुमने अपराध किया है वहीं जाओ। भक्तों में तेज का प्रहार करने वाला उल्टा पड़ जाता है। विद्या माने उपासना, तपो विद्या च विप्राणाम निःश्रेयस करे उभे। तपस्या और विद्या उपासना ये कल्याण करती हैं, लेकिन जब उसमें दैन्य नहीं रहता, दुर्विनीत हो जाता है, तो उल्टा फल देती है। वही विद्या उपासना भक्ति तुम्हारा नाश कर देगी। इसलिए हे ब्राह्मण जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। उसी अम्बरीश की शरण में जाओ। कल हम दोपहर को ही पढ़ा रहे थे, लेकिन इनको साहस हुआ नहीं जो लोग द्वेष फैलाते हैं उनको निकालने का। बोले नहीं, आपस में विरोध हो जाएगा। हमने कहा तुम विरोध का नहीं डरो, हम कह रहे निकाल दो भक्तापराधी। कोई पक्ष लेगा हम छोड़ के चले जाएंगे मानगढ़। हम पहले भी छोड़ के जा चुके हैं। सिद्धांत नहीं छोड़ सकते। एवं भगवता दिष्टो दुर्वासाश चक्रतापितः। चक्र अब भी जला रहा है भगवान की शरण में जाने के बाद भी। अम्बरीशम उपावृत्य तत्पादौ दुखितो ग्रहित। अम्बरीश के पास गए और उनके चरणों को पकड़ा। इस बात से अम्बरीश जी बड़े लज्जित हुए और स्तुति करने लग गए चक्र की। तुम ही भगवान हो, तुम ही सूर्य हो। बड़ी स्तुति किया। लेकिन चक्र नहीं हटा। जब नहीं हटा
तब उन्होंने अपनी भक्ति का दांव लगा दिया। उन्होंने कहा विप्रस्य चस्मत कुल देवी हेते विधेहि भद्रम तदनुग्रहीनः 9:5:9 ये ब्राह्मण ये हमारे कुल का दैव है, भगवान है, इसका कल्याण हो जाए, ये मेरे ऊपर कृपा होगी। लेकिन फिर भी चक्र जला रहा है कि वो राम रोष पावक तेज रही, जे अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक तेज रही। वो जलेगा, वो चाहे कितना ऊंचा विद्वान है, कितना ऊंचा महापुरुष है, महात्मा है, महंत है, वो जलेगा। तब उन्होंने अपनी भक्ति को दांव पे लगा दिया। 9:5:10 यदि हमने कभी जीवन में दान दिया होगा या अपने धर्म का अनुष्ठान किया होगा, यानी भजन किया होगा, भागवत धर्म अगर हमने पालन किया हो, और हमारे कुल में अगर ब्राह्मण भक्ति है, तो द्विज मने दुर्वासा विज्वर ताप रहित हो जाए, फिर भी चक्र नहीं हटा। तब उन्होंने अपने को दांव पर लगा दिया। यदि नो भगवान प्रीतः, यदि भगवान हम पे प्रसन्न हैं, एक ही भगवान सभी गुणों के आश्रय हैं, यदि भगवान प्रसन्न हैं तो ये विज्वर दुर्वासा ताप रहित हो जाए। जब उन्होंने अपने आप को दांव पर लगा दिया, बस इसको सुन करके सुदर्शन जी शांत हो गए। इति संस्तुतो राज्ञो विष्णुश्चक्रम सुदर्शनम अशाम्यत, शांत हो गए। सर्वतो विप्रम प्रदहद, प्रदहत क्षत्रि प्रत्यय है, अब तक जला रहे थे। बराबर जला रहे थे। राजयांचया, राजा अम्बरीश की प्रार्थना पर, एवं समुक्तो अस्त्राग्नि तापेन दुर्वासा स्वस्ति मांस्ततः प्रशंस तुम उर्वीशम यूंजान परमाशिष। हमने अनुभव किया, 60 साल से हमने अनुभव किया, यहां बड़ी बड़ी बाधाएं आई, चोर आए, डाकू आए, अजगर सर्प, जाने कितनी बाधाएं आई। 7-7 गांव की पंचायत भई केवल हमको हटाने की, और कुछ नहीं हुआ, सब व्यर्थ चला गया लोगों का प्रयत्न। यहां तक कि यात्रा में भी बड़ी बड़ी बाधाएं आईं, पानी वानी तो खर मामूली काम है, आंधी पानी, रसोइये भाग गए, और नंद घाट में लोगों ने हमसे कहा कि देवरिया के रसोइयां हैं, वो लोग बिगड़ गए हैं, कहते हम रसोई नहीं बनाएंगे।
हमने कहा भाई बिगड़ने का कोई कारण है क्या? बोले नहीं, वो हम समझ गए। एक आदमी के अंदर द्वेष होता है, वो बहुतों में फैला देता है। जैसे वायरल बुखार होता है, एक को है तो बहुतों को हो जाएगा। हमने कहा जब हमारा कोई दोष नहीं है तो उन सबको विदा कर दो। बोले यात्रा? हमने कहा यात्रा भूखी नहीं मरेगी, पतीलियां 150 ले आओ, खिचड़ी बनने दो, दाल चावल सब खाएंगे। हर स्त्री खिचड़ी बनाती है, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। हमने पैसा लिया नहीं कि हम तुमको रोटी दें, दाल दें, साग दें, न हम महंत हैं कि हमारी इज्जत जाएगी। खिचड़ी हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ। लेकिन अनावश्यक मत झुको, भगवान का आश्रय मत छोड़ो। सुन करके होश ठंडे हो गए। सभी हड़ताल समाप्त हो गई, यात्रा चल पड़ी। यात्रा के शुरू में भी बाधाएं आई। कुछ लोगों ने कहा था एक पार्टी रसोई बनाएगी, एक सामान ढोएगी, एक कीर्तन करेगी, हम ही करेंगे। और जिस दिन यात्रा शुरू हुई एक भी आदमी उनका नहीं पहुंचा। हमने कोई बात नहीं, सब स्त्रियां बना लेंगी। बनाया सबने मिल करके, यात्रा पूरी भई। और जिन लोगों के मन में विरोध था वे आए, उन्हीं के शब्द थे कि हमारा अहम चूर हो गया। ये उनके निजी शब्द थे। तो इसलिए जरा भी अहम आया किसी प्रकार का, हम विरक्त हैं, हम प्रेमी हैं, हम भक्त हैं, हम रसिक हैं, बस उसी समय उसका पत्ता कट गया। दुर्वासा को भगवान क्षमा नहीं कर पाए, भगवान के सामने भी चक्र जला रहा, कुछ नहीं हुआ। और अंत में जब अम्बरीश की शरण में गए तब भी चक्र ठंडा नहीं हुआ। जब उन्होंने अपने को दांव पर लगा दिया कि अगर भगवान हम पे प्रसन्न है तब चक्र शांत हो गया। क्योंकि अपराध तो अम्बरीश का था। और अम्बरीश ही अपने को दांव पे लगा रहा है तब दुर्वासा जी बोले, ओहो, आज हमने भगवान के भक्तों की महिमा समझी है। 9, 5, 14 एक साल तक चक्र से जलने के बाद, भगवान की शरण में जाने के बाद भी कुछ क्षमा नहीं हुआ। जबकि भगवान कहते हैं शरणागत की मैं रक्षा करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
सकने जब सैकड़ों जगह भगवान ने प्रतिज्ञा किया है, लेकिन ये चौपाइयां भी अमिट हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसायन काऊ। भगवान का अपराध कर लो, भगवान कभी नहीं कुछ करेंगे। शिशुपाल को हजारों गालियां रोज देता था भगवान को शिशुपाल, लेकिन जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। शिशुपाल को भगवान ने तब चक्र से जलाया जब उसने भरी सभा में सहदेव का अपमान किया था। सहदेव ने अग्र पूजा में भगवान का समर्थन किया तो भरी सभा में वो कृष्ण निंदा करने लग गया, लेकिन फिर जब भक्तों की बुराई किया, भीष्म की बुराई किया, ये बूढ़ा है, ब्रह्मचारी बनता है, हिजड़ा है, कौन कहता है ब्रह्मचारी है, तो ये सब भगवान सह नहीं सके, तब चक्कर उठाया। यही सब रहस्य है भक्ति का। आज हमारा समाज दुर्बल क्यों बना हुआ है? हमको हमारे बाबा ने कहा था, वृंदावन में रहना तुम जरूर, लेकिन इस विष से बचे रहना। सांप्रदायिक जो द्वेष है ये हमको खा रहा है, सारे वृंदावन को वैष्णव को खा गया। दुर्वासा जी कब समझे? जब भगवान के सामने भी चक्र ने उनको जलाना बंद नहीं किया। ब्रह्मलोक गए, शिवलोक गए, विष्णुलोक गए, वहां भी रक्षा नहीं भई। फिर अम्बरीश के पास गए, वहां भी रक्षा नहीं भई। इसलिए हमने कल कहा, जो द्वेष करता है उसको हटाओ, तुरंत विदा कर दो, वो बहुतों को नष्ट कर देगा। एक धोबी था अयोध्या में, उसने एक पार्टी बना लिया था। क्यों? खुलेआम चिल्लाता था, स्त्री लोभी विभ्रियात सीताम रामो न हम भजे पुनः। अपनी स्त्री से बोला, मैं राम थोड़ी हूं, स्त्री लोभी राम सीता को रख ले, लेकिन मैं राम नहीं हूं। तू रूठ के चली गई तो चली जा सदा को, रामो न हम भजे पुनः। इतना कट्टर निंदा करता था। गोसाई जी ने लिखा था, लोक विशोक बनाए बसाए, विशोक बनाए बसाए, लोक माने बहुतों का समुदाय उसने अपनी पार्टी बना लिया था। सीए निंदक अघोग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। तो इसी तरह से दुर्वासा जी कहते हैं, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में, लाखों वर्ष तपस्या किया लेकिन दासों का महत्व आज हमारे समझ में आया। भगवान के भक्त भगवान को भगवान के भक्त करते हैं। कृतागोसोपि यदराजन मंगलानी समीह से,
हमने तुम्हारा अपराध किया और तुम्हारा मंगल चाह रहे हो। द्विजो भवति विज्वरः, अपने को दांव पे लगा करके, इसी को साधु कहते हूं। दुष्करः कोनु साधु नाम, दुष्ट जो वा महात्मनाम। ऐसी सहनशीलता साधुओं में ही होती है। तो इसलिए कल हम ये प्रसंग बता रहे थे कि भाई जब हनुमान जी ने ये कहा कि तब प्रताप उर राख प्रभु चैहो नाथ तुरंत, यद्यप हनुमान नाटक में जो हनुमान जी ने बनाया है उसमें लिखा है, इसमें तो लिखा है बाण पर चढ़ने का नहीं लिखा है। शंका आ गया कि मोरे भार चलई कि मिबाना, लेकिन हनुमान नाटक में लिखा है हनुमान जी बाण पर चढ़ गए पहाड़ लेकर के। और एक बाण सहन किया, वहां टीकाकारों ने लिखा है कि बाण जब चढ़ गया तो बाणों को लौटा लेंगे थोड़ी। भरत जी बाण ने वहां पहुंचाया लंका में और फिर वहां उतर के शिविर की ओर हनुमान जी वहां से गए हैं स्वयं। वहां तक बाण नहीं पहुंचाया। वहां विद्वानों ने तर्क दिया है कि हनुमान नाटक की बात ज्यादा सही है, क्योंकि बाण पर चढ़ने के बाद ही वो समझ गए। तब प्रताप उर राखी प्रभु जइहो नाथ तुरंत, भरत जी का प्रताप समझ गए। यहां ये लिखा है कि तुम्हारे प्रताप से मैं चला जाऊंगा, वो उन्होंने हनुमान जी की सम्मान के लिए ऐसा किया, लेकिन हनुमान नाटक की बात ज्यादा सही है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं लिखने वाले हैं। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत सुन पुनि पुनि पवन कुमार। अभाव दूर हो गया, मन में भगवान की कृपा से भरत के बाहुबल की और भरत के शील की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं। जहां से अपराध लगा था उनको, इसलिए जो व्यक्ति देश फैला है कारण नहीं होता। एक विचित्र घटना
यद्यप कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। कोई यहां संत थे और वो प्रायः उनकी आदत थी जहां बैठेंगे तो वो आलोचना करने की। हम उनसे कहते थे कि तुम कीर्तन बाजे पे सीख लो, ढोलक सीख लो, अखंड कीर्तन बैठो। नहीं बैठते थे, नहीं सीखा, न कभी कीर्तन किया। भाषण का शौक उनको जरूर था, भाषण कोई सुनता नहीं था तो पहाड़ पर बैठ के सुनाया करते थे लताओं को। कोई नहीं सुनेगा तो लताएं तो सुनेंगी, श्री जी तो सुनती हैं। वो कहते थे अभी आज श्री जी हैं तो उसको हम कैसे काट सकते हैं, श्री जी तो सुनती हैं सबकी। सुना था कि वे बद्रीनारायण केदारनाथ गए, अब तक नहीं लौटे बेचारे। हो सकता है जो पहाड़ में पानी बरसा, आपत्ति आई, उसमें चले गए होंगे, पता नहीं। यदि चले गए हैं तब भी हमको बड़ा दुख है, क्योंकि हम समझते थे ये आलोचना की आदत इनकी छूट जाए तो ये भी भगवान नाम करें। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जो भी हो इस चक्कर में फंसने वाले का कल्याण नहीं होता है, वो स्वयं नष्टता है, औरों को लेकर नष्ट होता है। हम देश करते हैं किसी से तो हम ये भी चाहते हैं कि सब लोग इससे द्वेष करें। देखो भागवत में एक प्रश्न कुत्ता रहा है कि राम भगवान की सीता का हरण रावण ने किया, सारी लंका ने तो नहीं किया था। फिर सारी लंका क्यों मारी गई? एक के अपराध से सारी लंका का नाश हो गया? तो श्रीमद् भागवत ने उत्तर दिया है, हां, नौवें स्कंद में दसवें अध्याय में बीसवां श्लोक, सारी लंका ने तो सीता जी की चोरी नहीं किया था। सीता को चुराने के लिए रावण अकेले गया था। सब जानते हैं मारीच के पास गया था रावण, मारीच से कहा तुम कपट मृग बन के चलो, नहीं चलेगा। तो मारी समझ गया कि ये माज मुझे मार देगा, इसके हाथ से मरने की अपेक्षा अच्छा है राम जी के हाथ से मरेंगे। तो कपट मृग बन गया और रावण साधु को रूप बनाकर गया और सीता जी से कहा भवति भिक्षाम मे देहि। सीता जी भिक्षा
भिक्षा देने के लिए चली। रावण ने हरण किया। सीता जी को लक्ष्मण जी ने मना किया था, इस रेखा के बाहर मत जाना। सीता जी लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी, चली गई। तो उन्होंने लक्ष्मण के प्रति अपराध को लंका कांड में अपने शब्दों से कहा है। दिखा रही है कि हमको भी भक्तापराध भोगना पड़ता है। लंका कांड 299 रघुपत सर सिर कटहु न मराई, विधि विपरीत चरित सब करई। सीता जी कह रही हैं भगवान के बाणों से भी नहीं मर रहा है, दैव विपरीत है। मोर अभाग्य जियावत ओही, किसको दोष दूं? हमारा दुर्भाग्य है। देखो एक एक चौपाई में साफ स्पष्ट झलक रही है बात कि भक्तापराध कभी नष्ट नहीं होता है। जही कृत कपट कनक मृग झूठा, अजऊं सो दैव मोही पर रूठा। हमारा दुर्भाग्य है वो कपट मृग बनकर जो आया वो हमारा दुर्भाग्य था। जही विधि मोही दुख दुसह सुहाए सहाये, अनंत कष्ट हमको मिला। लक्ष्मण कहूं कटु बचन कहाए। 99 हमारा दुर्भाग्य क्यों था? लक्ष्मण को मैंने कटु वचन कहे थे। यह है अपराध। रघुपति बिरह सबिष सर भारी, तक तक मार बार बहु मारी। ऐसे ही दुख जो रख राख मम प्राणा, सोई विदिताए जियावो न आना। इस प्रकार विलाप कर रही हैं कि हमने लक्ष्मण का अपराध किया, कटु वचन कहे, लक्ष्मण पर आरोप रख दिया कि तुम चाहते हो कि राम न रहें तो सारा अधिकार तुमको मिल जाए। जाने क्या क्या उन्होंने कहा होगा। तब लक्ष्मण जी तिलमिला करके चले गए। इसलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार का अहम अपने अंदर नहीं रखना चाहिए। हम भक्त हैं, हम विरक्त हैं, हम संत हैं, हम रसिक हैं, ये सब अहम की वैराइटीज हैं। ये सब भगवान से दूर कर देती हैं।
ये सब इसके उदाहरण हैं। जय श्री राधे।